बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुजाहिद भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल भट्टी मैथ एंड मोटिवेशन। आज जो मेरा टॉपिक है वो है फर्स्ट क्लास की एक्सरसाइज 10.2, उसका क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करने से पहले हजरत अली मुर्तज़ा का एक फरमान आप लोगों की खिदमत में पेश करता रहता हूँ। आपने फरमाया कि अगर आपको तकदीर पर यकीन हो तो फिर आप ऊपर से नाजिल होने वाली मुसीबतों से ना घबराएं। नहीं, जो भी ऊपर से मुसीबतें आती हैं वो अल्लाह की तरफ से हमारा इम्तिहान होता है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर हो सके तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे हर आने वाले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आते अपने टॉपिक की तरफ, जैसे कि आपके सामने मैंने क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है और सबसे पहले उसने हमें कंडीशन दी हुई है कि अल्फा इज लेस देन पाई ओवर पाई एंड पाई ओवर ग्रेटर देन पाई ओवर 2 लेस देन पाई एंड बीटा। तो ये तो ये हमें जो गिवन वैल्यू है इनके लिहाज से दिया हुआ है कि अल्फा की वैल्यू क्यों पॉजिटिव है और बीटा की वैल्यू क्यों पॉजिटिव है। दूसरा जो हमने फाइंड करनी है वो हमने किस तरीके से फाइंड करनी है, कैसे लिए है। अब देखते हैं, ये हमारे पास 0 होता है पाई ओवर 2 रेडियन, पाई रेडियन 3 पाई ओवर 2 रेडियन और पाई रेडियन, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, फोर्थ। हम जानते हैं इसके ऊपर कई वीडियो में बना चुका हूं, ऑल पॉजिटिव होते हैं। यहां पे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन उसका कन्वर्स cos और कन्वर्स tan उसको कर लो। यहां पे साइन और उसका कन्वर्स कोसेकेंट पॉजिटिव होता है, जहां पे टेन और उसका कन्वर्स कॉट पॉजिटिव होता है, यहां पे कॉट और उसका कन्वर्स सेकेंट पॉजिटिव होता है। यानी यहां पे टेन और कॉट नेगेटिव, यहां पे साइन और कॉट नेगेटिव, यहां पे साइन और टेन, यानी यहां पे सिर्फ इन दो के अलावा बाकी चार नेगेटिव, इस जगह पे इन दो के अलावा बाकी चार नेगेटिव, इस जगह पे इन दो के अलावा बाकी चार नेगेटिव। यानी ये जो साइन की वैल्यू पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव है क्योंकि ये फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होगी। ये तो हो गई थी। अब हमें ये चीज फाइंड करनी है साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, हम जानते हैं होता है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। साइन की वैल्यू तो हमें गिवन है, हमें कॉस की वैल्यू गिवन नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कॉस दोनों वैल्यू फाइंड करेंगे। हम जानते हैं पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूं, अगर उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, कॉस बीटा हमें फाइंड करना है पहले। कॉस बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन बीटा की क्या वैल्यू है, ये है 12/13, इसका स्क्वायर लें तो 144 और 169। अगर हम इनका एलसीएम ले लें तो 169 एलसीएम इसका बटा 1 होता है 169 माइनस 144, ये आ जाता है हमारे पास कॉस बीटा। अगर हम इन्हें माइनस कर दें तो ये आ जाएगा 25 ओवर 169। अगर हम इसका स्क्वायर रूट ले लें तो ये इसका 25 का होता है 5 और इसका होता है 13, ये आ जाता है कॉस बीटा। बिल्कुल इसी तरह कॉस बीटा हमने फाइंड कर लिया, अब हम कॉस अल्फा चाहिए। कॉस अल्फा इसी फार्मूले से cos अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा अंडर रूट 1 माइनस sin अल्फा 4 और 5 4 का स्क्वायर 16 5 का 25 अंडर रूट, एलसीएम ले लें 25 एलसीएम इसका बटा 1 है तो 25 अंदर 25 माइनस 16 ये हमारे पास आ जाएगा 9 ओवर 25 और
जोन ऑफ अंडर रूट। ये जाएगा हमारे पास का अल्फा एन इक्वल टू 3/5। चार वैल्यू हमें रिक्वायर्ड थी, चारों की चारों वैल्यू हमने 2 गिवन थी, तो हमने फेल कर ली है। इसी फार्मूले में पुट कर दें, साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा की वैल्यू है 4/5 इनटू कॉस बीटा की वैल्यू अभी हमने फाइंड की 5/13 प्लस कॉस अल्फा की वैल्यू है अभी गिवन, अभी हमने फाइंड की है इनटू कॉस बीटा की गिवन थी 12/13, तो हम इन्हें फाइंड कर सकते हैं 20/65 प्लस 36/65। अगर इनका एलसीएम लेते हैं, ऐड कर दें 20 + 36, तो हमारे पास ये आ जाएगा 56/65, ये हमारा आंसर आ जाता है। इसी तरह हम कॉस अल्फा फाइंड कर सकते हैं, कॉस अल्फा प्लस बीटा ये होता है हमारे पास कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ये चारों के चारों वैल्यू हमें फाइंड है, ये वैल्यू हम पुट करें हमारा क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। सिर्फ फार्मूला हमें फाइंड करना है, कॉस अल्फा भी मालूम है, कॉस बीटा भी मालूम है, साइन अल्फा भी मालूम है और साइन बीटा भी मालूम है। हम पुट करें तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 है, हम इसके ऊपर थोड़ी सी क्वेश्चन डालते हैं, बिल्कुल इसी मेथड से है, सेम मेथड है। तो देखिए हम साइन अल्फा प्लस बीटा ये चीज फाइंड करनी है, ये चीज हमें गिवन है और वो कहता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है। इस बात को समझना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्यों नहीं है, यानी ये जो टेन की वैल्यू पॉजिटिव है ये फर्स्ट में नहीं है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू पॉजिटिव है। अल्फा हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में होगा और कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होती है इसमें, यानी इन दोनों की वैल्यू पॉजिटिव है, तो जिसमें ये पॉजिटिव होते हैं उसमें है 1 के अलावा। टेन थर्ड में पॉजिटिव होता है और कॉस फोर्थ यानी बीटा हमारे पास इससे होगा। ये हमें याद रखना है, अल्फा थर्ड में और बीटा सेकंड है फोर्थ में। तो अब इनसे हम अभी हमने फार्मूला लिखा था साइन अल्फा का, साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। ये वैल्यू हमें चाहिए और हमें फाइंड करनी है। अब टेन से थोड़ी सी तवज्जो, यही चीज मुश्किल है, टेन से हम कैसे फाइंड करेंगे वैल्यू। हम जानते हैं 1 + 10² अल्फा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर अल्फा और टेन हमें गिवन है। अगर हम रिजल्ट ले लें तो सीकेंट अल्फा इज इक्वल टू 1 + 10² अल्फा अंडर रूट, यहां पे प्लस माइनस आ जाएगा। अब अल्फा होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में सीकेंट में जो नेगेटिव होती है इसलिए पॉजिटिव नहीं आएगा बल्कि नेगेटिव आएगा, इसलिए उसने ये बताई थी कंडीशन। अब 1 + 10 की वैल्यू क्या है, 3/4, 3 × 9/16। अब सीकेंट अल्फा इज इक्वल टू मैंने अगर हम एलसीएम ले लें 16 + 9 = 25/16 अंडर रूट यहां पे मैंने सीआर जाएगा 5 - 5/4 ये सेकंड की वैल्यू। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, कॉस की। हम जानते हैं कॉस का कन्वर्स होता है, तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू -4/5 माइनस नीचे हो जाओ का सेम बात। इसी तरह हमें cos अल्फा मालूम हो गया, अब हम sin अल्फा फाइंड कर सकते हैं। ऐसे पिछले सवाल में बता चुका हूं,
कॉस बीटा हमने मालूम है, ऐसे हम साइन बीटा मालूम कर सकते हैं। करने के बाद से का वैल्यू पुट कर दे, हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। इसी तरह हमारा प्रश्न नंबर 11 आ जाता है, ये भी बहुत ही अहम है। कॉस 8 डिग्री माइनस साइन 8 डिग्री और कॉस 8 डिग्री प्लस साइन 8 डिग्री इज इक्वल टू 37 डिग्री। ये थोड़ा उलट क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन में हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर राइट हैंड साइड प्रूव करते हैं, इसमें राइट हैंड साइड को लेकर लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करेंगे। यानी राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 37 डिग्री, इस चीज को हम लिख सकते हैं 10 45 माइनस 8, तो 37 आ जाता है। अब 10 को हम लिख सकते हैं 45 माइनस 8 डिग्री और cos 45 डिग्री माइनस 8 डिग्री। यानी क्योंकि हमें गिवन cos और sin की फॉर्म में, इसको भी साफ cos और sin की फॉर्म में हम चेंज कर देंगे। अब इनके फार्मूलाज खोल देंगे हम। sin का फार्मूला क्या होता है, sin अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा sin बीटा, यानी अल्फा और बीटा की जगह पर क्या है 45 और 8 और इसका फार्मूला cos अल्फा cos बीटा प्लस माइनस है तो प्लस आ जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा। क्वेश्चन हमारा हल हो गया। 10 37 डिग्री इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू होती है 1/2 √ cos 8 डिग्री माइनस, इसकी वैल्यू भी होती है 1/2 √ sin 8 डिग्री और इसकी वैल्यू भी होती है 1/2 √ का 8 डिग्री प्लस 1/2 √ sin 8 डिग्री। ऊपर भी अगर हम 1/2 √ कॉमन ले रहे हैं, का 8 डिग्री माइनस sin 8 डिग्री और नीचे भी 1/2 अगर हम कॉमन ले रहे हैं, का 8 डिग्री प्लस sin 8 डिग्री, ऐसे ये चीज कैंसिल, बाकी cos 8 डिग्री माइनस sin 8 डिग्री और cos 8 डिग्री प्लस sin 8 डिग्री, जो कि हमारी क्या है लेफ्ट हैंड साइड है और हमारा प्रूव है। अल्लाह।